9 संवत्सर से नुमाइश मैदान में श्री राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। आयोजकों ने सभी लोगों से कार्यक्रम में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। श्री राम महोत्सव समिति द्वारा विगत कई वर्षों से श्री राम महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं रहे बागेश्वर में। बीच में एक दो साल का इसमें गैप रखने के बाद फिर पिछले वर्ष से हमने इसको रामलीला मंच में शुरू कर रखा है। तो मैं सबसे पहले अपने नगर के और ज़िले के जितने भी हमारे सनातनी बंधु हैं उनको निवेदन है कि चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और हमारा जो चैत्र नवरात्र है यह प्रकृति का वर्ष शुरू होता है और यहीं से हमारे सारे कार्य शुरू होते हैं। इसी संदर्भ में श्री राम महोत्सव इस वर्ष अपने इस मंच के माध्यम से श्री राम महोत्सव समिति श्री दुर्गा पूजा और श्री राम महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर कर रही है। आप सभी हमारे जितने भी सनातनी बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और अपने व्यापारी बंधु हैं, सबको हमारी तरफ से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में कल प्रातः 11 बजे इस कार्यक्रम का यहाँ पर उद्घाटन होना है और आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही इस बार हमने इस पूरे कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन किया है। परिवर्तन कुछ इस तरह से है कि श्री राम महोत्सव समिति ने निर्णय लिया कि इस बार हम श्री रामचरितमानस और क्या कहते हैं गीता से कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के अपने विद्यालय के बच्चों से को हम उसमें प्रतियोगिता के रूप में बुलाएंगे और इसमें जो भी अपना अच्छा योगदान करेगा उसको एक स्मृति चिन्ह या उसको प्रोत्साहित भी यहाँ पर से समिति द्वारा किया जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।